जी नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन। ठीक है, वर्क जो है वो बेसिकली हमारे पास कह रही, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कह रही डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जब हम डॉट खत्म करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू डी, या आप इसको यूं लिख लें एफ डी कॉस थीटा। वो दोनों सूरतों में आप कंपोनेंट्स इस मर्जी के बना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें कि वर्डन में हमने कौन सा कंपोनेंट चूज करना होता है, फॉर एग्जांपल कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स यूं लग रही है, ये एंगल थीटा है, आप क्या करेंगे यहां पे इसके ना कंपोनेंट्स बना लेंगे। फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे यहां पे, एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जबकि दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट आपने चूज करना है, या फोर्स का वो कंपोनेंट बर्डन करेगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और वो कंपोनेंट कौन सा है जी, एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो बर्डन क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, अब देखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं यहां पे ना, तो वो एक दफा ऐसा हुआ कि जी मेडिकल में क्वेश्चन है, वैसे टॉर्क का फॉर्मूला आपको तो पता नहीं कि क्या होता है, वो आर एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी बाज का तो ऐसा होता है कि बताते कुछ है और आता कुछ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला कह रही आर एफ साइन थीटा, तो आर एफ कॉस थीटा उसका आंसर बन रहा था। समटाइम ऐसा भी होता है कि सिचुएशन चेंज होती है, अब वो माइंड में होता है जी कि जी आर एफ साइन थीटा ही इसका आंसर होगा। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा कि जी टॉर्क इज गिवन बाय, तो ठीक है आर एफ साइन थीटा आप कहेंगे, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आर और एफ में एंगल हो, और अगर एंगल आर और एफ में नहीं है तो फिर साइन थीटा नहीं आएगा, फिर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला भी आ सकता है। इसी तरह से वर्डन के अंदर होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है देखें अगर एफ और डी में एंगल है तो फिर कॉस वाला लगाएं, और अगर एंगल एफ और डी में नहीं है तो फिर साइन वाला लगाएं। फॉर एग्जाम्पल ये है सिचुएशन, ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज के ये डिस्प्लेसमेंट है इस साइड पे, और फोर्स यूं लग रही है, फोर्स का एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है बल्कि यहाँ पे गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इसकी वो ऑप्शन देते हैं, कहते हैं कि बर्डन इज गिवन बाय एफ कॉस थीटा इंटू डी, एफ साइन थीटा इंटू डी, एफ कॉस 90 माइनस थीटा इंटू डी, और फिर डेल्टा ऑप्शन में कहता है जी बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब आप देखें एंगल इधर शिफ्ट हो गया, अब अक्सर लोगों के जहन में होता है जी कि हमेशा एक्स एक्सिस जो होता है वो कॉस वाला होता है, ऐसा नहीं है, ये कन्वेंशन चल रहा होता है क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस से ले रहे होते हैं ना, इस वजह से हम कह देते हैं रूटीन में हम कह देते हैं। ठीक है, एंगल वाई के साथ है तो ये वाला कंपोनेंट जहां पर एंगल होता है वो कॉस वाला होगा, जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस वाला होगा, तो फिर ये वाला क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, सो मैंने अभी बताया था कि आपने वो कंपोनेंट चूज करना है जिसका डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल रिलेशन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो चूज करेंगे आप। ठीक है, तो अब अगर आप देखें ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं तो अब आंसर क्या होगा, एफ साइन थीटा डी। हाँ, दूसरा ये भी हम कर सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लें, फिर कंपोनेंट शिफ्ट नहीं करना, अगर तो एंगल शिफ्ट नहीं करना तो कंपोनेंट चेंज कर लें, वो कॉस की जगह साइन कर लें, अगर आप चाहते नहीं आंसर ही कॉस में दे रहे तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिख लें। अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्योंकि एंगल इधर शिफ्ट कर लिया है तो वो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा नहीं आएगा, एंगल चेंज कर लिए 90 माइनस थीटा, तो अब ये ऑप्शन आ जाएगी एफ कॉस 90 माइनस थीटा वाली, इस लिहाज से देखें तो डेल्टा आंसर बनेगा। तो देखें ये वाला फार्मूला ही खत्म हो गया जो हम रूटीन में आपको पढ़ाया जाता है, तो एंटी टेस्ट में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं वो, तो फिर आंसर ही चेंज हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको।
कि वेल डन जो है वो कंपोनेंट कैसे चूज करना है। अब मजीद देखते हैं इसके अंदर फर्दर पॉइंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल के इसमें हम लोग इसकी जनरल चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास इसकी यूनिट क्या है, जाउल के इक्वल है। वन जाउल क्या है, 10^57 अर्श के इक्वल है। ये यूनिट कौन सी होती है, ये CDS यूनिट होती है। जबकि ये यूनिट कौन सी होती है, ये इसको आप SI भी कह सकते हैं, इसको MKS भी कह सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है। आप इसके अलावा वन जाउल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ये भी इसके SI सिस्टम में ही आती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो कहते हैं SI बेस यूनिट बताएं, फिर ये आंसर ही नहीं होगा जाउल इसका। SI बेस यूनिट बताएंगे तो ये आंसर नहीं है। जाउल किसके इक्वल होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। तो ये तो हो गया SI, ये हो गया SI बेस, जबकि ये SI यूनिट है ड्राइव्ड। तो ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या कह रहा है वो, SI यूनिट बेस वाली पूछे तो फिर ये आंसर है। यहीं से बेस क्वांटिटी से हम डायमेंशन में भी जा सकते हैं, डायमेंशन भी पूछ सकते हैं आपसे क्योंकि वर्डन की डायमेंशन बताएं क्या। तो किलोग्राम एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, ये इसकी क्या हो जाएंगी, ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगी। तो ये क्लियर हो गया कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी MCQ में आ सकते हैं। जाउल किसके इक्वल है, वो 10^7 ऐसे यूनिट कह रही। MKS में जाउल है, CDS में इसकी यूनिट अर्श हो जाएगी। फिर जाउल ड्राइव यूनिट में आती है और ये बेस में आती है और ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब फर्दर देखते हैं कि वर्डन के जो साइंस हैं, जीरो कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, उसकी तरफ आते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्क पॉजिटिव कब कब होगा। देखिए आप ये क्वाड्रेंट्स याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है, अगर क्वाड्रेंट्स में जाना है ना आपने, ये लिख लें एक्स, यहां पे तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन, इसका मतलब है कि वर्डन यहां पॉजिटिव होगा। ये कॉज लिखा हुआ है, यहां पे पॉजिटिव होगा। जहां पे नहीं कॉज लिखा हुआ, ये ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, कॉस टेन साइन, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वर्डन कि ये वाला आप याद रख लें। कॉस के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड थर्ड क्या होगा नेगेटिव, ये बात याद रख लें, ठीक है। अच्छा, इसको एंगल की फॉर्म में देखें, इसका मतलब है कि वर्डन पॉजिटिव होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें, अगर थीटा जो होता है वो आपके पास, वर्डन पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। इन शॉर्ट कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में थीटा की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो बट 90 से लेस हो, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ये आपके पास एक्यूट एंगल भी कहला। इस पे भी वर्डन क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। फिर वर्डन कब पॉजिटिव होगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल का लफ्ज लिखा हो। तो ये हम इसको कीवर्ड्स बता रहे हैं इसके, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है, अगर तो पैरेलल लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पैरेलल है, तो अभी वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये कीवर्ड्स है इसमें। नेक्स्ट, वर्डन जीरो कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है लेट से, ये फोर्स है आपके पास, ये दोनों परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है, या राइट एंगल लिखा हो या परपेंडिकुलर लिखा हो, ठीक है, या फिर वर्डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स भी जीरो होता है, ये भी याद रखें, ठीक है, या फिर वर्डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स अगर जीरो है, इसके अलावा अगर आप देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वर्डन क्या होता है जी, हमारे पास जीरो होता है,
सेंटीपेटल फोर्स से वर्डन जीरो होता है, राइट एंगल लिखा हो जीरो होता है, परपेंडिकुलर लिखा हो जीरो होता है। एक और लफ्ज इनकी जगह पे हो सकता है वो ऑर्थोगनल लिखा होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑर्थोगनल अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब भी यही लेते हैं कि जी 90 डिग्री पे आ रहा होगा, परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ठीक है। ऑर्थोगनल जो है इसमें भी वर्डन हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वर्डन नेगेटिव कब होता है, अगर नेगेटिव की बात की जाए नेगेटिव कब होगा, बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिखा हो, ये कीवर्ड्स बता रहा हूं आपको। फिर ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत होता है। ये कीवर्ड्स ही हम भूल जाते हैं, पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन कीवर्ड पे गौर नहीं करते, जिसकी वजह से गलती होती है। ये याद रख लें कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं ना उनका कीवर्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है, सिली जो मिस्टेक्स हैं, जितने कीवर्ड्स ज़्यादा याद रखेंगे मिस्टेक्स उतनी कम होंगी, जितने कीवर्ड्स ज़्यादा माइंड में रखेंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए उतने कम चांस होंगे मिस्टेक होने के, ठीक है। वर्डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। एंटी पैरेलल का लफ्ज लिखा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ आ जाए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्डन नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं। फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा था डायग्राम, मैंने भी बनाई थी। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट वर्डन नेगेटिव होगा। फिर अगर आप थीटा की वैल्यूज देखें, अगर थीटा हमारे पास 90 से ज्यादा है बट 180 और 180 से कम है तो वर्डन क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम वर्डन को क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी फर्दर देखें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने देखने हैं इसमें के लिए किस लफ्ज पे क्या आंसर होगा। एक ही सिचुएशन में वर्डन पॉजिटिव भी होगा, वर्डन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्डन के डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, 100, 50, 250 इस तरह के। वो आप डायग्राम देखें, मैं बनाता हूँ एक, तो एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन आपके सामने आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन भी है इसमें, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और फोर्स आपने लगा दी थी लेट से 100 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास है 0.2 सपोज कर लें। बॉडी का जो मास है वो गिवन है आपको, मास गिवन है आपको 10 kg। अब इसके कितने आंसर हो सकते, जैसे कि वो कहते जी कि देखें वर्डन बाय नंबर वन, वो आपको कहते जी कैलकुलेट करें जी वर्डन बाय, इसको आप बोल दें एक्सटर्नल फोर्स, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया यहां पे लेट से के 2 meter है, तो अब आंसर देखें वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो बॉडी की डायरेक्शन में ही, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है, तो वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी 100, डिस्टेंस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200 चाओ, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब वो सारे पॉइंट्स जो मैंने कीवर्ड्स बताए थे वो आप देखें, वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है डाउनवर्ड, बॉडी किधर जा रही है राइट साइड पे, एंगल क्या बन रहा है 90, वर्डन क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब वर्डन बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स कह लें या नॉर्मल रिएक्शन कह लें, तो वर्डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन वो किधर होता है, वो अपवर्ड होता है, तो अगर आप उसका एंगल देखें डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे, नॉर्मल एक्शन ऊपर एंगल 90 बन रहा है, तो ये वर्डन भी क्या होगा 0। कीवर्ड्स देखने हैं, आंसर बहुत सारे निकल रहे हैं, कीवर्ड्स देखने हैं कि यार पूछा किससे है उसने, ठीक है। नेक्स्ट, वर्डन बाय फ्रिक्शन, वर्डन बाय फ्रिक्शन स्मॉल एफ लिख लेते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा कि फ्रिक्शन
म्यू एस या म्यू एन के इक्वल है. म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं, म्यू के काइनेटिक कहते हैं. 11वें नंबर लेके फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे. एन की जगह आप एम जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये द नॉर्मल डायरेक्शन है और ये वेट है एम जी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, बैलेंस कर सकते हैं. ये वर्डन बाय फ्रिक्शन होती है. तो वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्रिक्शन है, ठीक है. तो अब आप फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो फ्रिक्शन क्या आएगी आपके पास, म्यू एम जी, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास डी आ जाएगी. क्लियर हो गया. म्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.2, मास 10, ग्रेविटी को 10 ले लें, डिस्प्लेसमेंट इज 2. अब आप इसकी 0.2 को 10 से डिवाइड करें, पॉइंट खत्म कर लें, ये 10 खत्म हो गया, तो ये 2 × 4 और ये आपके पास आ जाएगा 40 जाओ. तो अब आप देखें आंसर ही चेंज हो गया. अब कितने आंसर हैं, ठीक है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अब आप देखें सही आंसर आपको कीवर्ड बताएगा. जैसे वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 200 जूल, वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0, वर्डन बाय नॉर्मल एक्शन 0, वर्डन बाय फ्रिक्शन इज था, माइनस लाजमी लगाएंगे क्योंकि 180 डिग्री आता है, कॉस 180 माइनस 1, वो माइनस लाते जाए बेशक, माइनस 40 जाउल कर देंगे, ठीक हो गया. तो अब ये हो गया. एक चीज और रहेगी इसमें, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, सॉरी वर्डन बाय द नेट फोर्स, ये वर्ड नेट वर्डन कह देते हैं. तो आप क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकालेंगे. जैसे कि ये फ्रिक्शन कितनी, एक्सटर्नल फोर्स कितनी थी, 100 थी, फ्रिक्शन फोर्स कितनी बनेगी, म्यू कितना था, 0.2, मास कितना था आपके पास, 10, ग्रेविटी कितनी थी, 10 से डिवाइड कर लें, ये 10 खत्म, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 × 10 कितना आ गया, 20, फ्रिक्शनल फोर्स इज 20, एक्सटर्नल फोर्स इज 100, 100 में से 20 निकाल लें तो ये आ जाएगा 80, नेट फोर्स 80 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, नेट फोर्स 80 आ जाएगी, डिस्टेंस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160 जाओ. क्लियर हो गया ये, ठीक है. तो ये एक कीवर्ड्स, एक सिचुएशन में मैंने कितने कीवर्ड्स आपको बता दिए यहाँ पे. अभी इंक्लाइंड प्लेन वाला एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर बॉडी जा रही है तो फिर क्या होगा, ठीक है. अगर द स्मूथ सरफेस लिखी हुई है तो वर्डन बाय फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा. रफ सरफेस लिखी हुई है तो फिर वर्डन बाय फ्रिक्शन होगा, स्मूथ सरफेस पे नहीं होता. फिर वो आप फ्रिक्शन वाला खत्म कर देंगे, सिर्फ वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे, इन दोनों की वजह से वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है वर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. पहले देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या है. देखें कंजर्वेटिव फोर्स वर्डन इन अ क्लोज्ड पाथ 0 होता है. दूसरा जी वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. यूं कह सकते हैं कि वर्डन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है. जैसे कि मेरे पास ग्रेविटी है, फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मैं इसको यूं लेके जाऊं ऑब्जेक्ट को, या इसको स्ट्रेट ले जाऊं, या इसको यूं ले जाऊं, ठीक है. तो वर्डन इन अ टू पाथ्स, अगर आप देखें ए से बी पे, तीन मैंने पाथ चूज किए, तीनों पे वर्डन जो होगा एक जैसा होगा. तीनों का वर्डन एक जैसा होगा, ठीक है, 1, 2, 3, इसका ये मतलब है. या फिर दूसरा पॉइंट, ये तो क्लोज नहीं था ना, ए से बी पे गए, जगह चेंज की है हमने, ठीक है. अगर तो क्लोज पाथ है, जैसे कि ये अर्थ है, अगर ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, वापस आए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वापस आ गए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्डन इन अ क्लोज पाथ क्या होगा, 0. वो आप मैयर भी करके देखें तो 0 ही आता है. तो इसका मतलब है कि ये कौन सी हो जाएगी, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी, और फील्ड को आप कंजर्वेटिव फील्ड कह देंगे. कौन कौन सी है कंजर्वेटिव, एक तो ग्रेविटेशनल है, ठीक है, दूसरा इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, तीसरा इलेक्ट्रिक फोर्स भी है. तो ये बुक में टेबल बना हुआ है, टेक्स्ट बुक में, वहां से लाजमी चेक कर लीजिएगा. अब देखें इसमें ना क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो देखना होता है. फर्स्ट करेंगे, कहता है कि वर्डन इन अ क्लोज्ड पाथ क्या होगा,
वो फौरन से हम कह देंगे जी वर्डन तो जीरो हो गया। ठीक है, फर्ज करें कि आप यहां से घर गए, घर से वापस आए, एक पॉइंट से घर से एकेडमी गए, एकेडमी से वापस घर गए, ठीक है, अब वो वर्डन इन अ क्लोज पाथ हम उसे कह देते हैं कि वो जीरो हो गया, लेकिन क्या फ्रिक्शन नहीं थी बीच में? तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो अगर आप ओवरऑल देखें तो वर्डन जीरो नहीं हुआ। हाँ, वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा होगा इन अ क्लोज पाथ, तो फिर वर्डन जीरो होगा। वैसे क्लोज पाथ में अगर वो यूं लिखते हैं क्लोज पाथ आंसर कैरी, वर्डन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर क्लोज पाथ रफ सरफेस पे हो रहा है, एक बॉडी ए से बी पे गई, घूम के वापस फिर आ गई बी ए पे, ए से बी पे गई और घूम फिर के वापस ए पर आ गई, लेकिन जिस सरफेस पे वो गई है वो रफ सरफेस है, अगर तो वो रफ सरफेस है तो वर्डन इन अ क्लोज पाथ जीरो नहीं होगा। ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या ग्रेविटेशन फोर्स इन्वॉल्व थी उसके अंदर? वो भी तो इन्वॉल्व है फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा आप, उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर वर्डन क्या होगा? जीरो, ठीक है, क्लोज पाथ में। तो ये माइंड में रखना, ये इसका की पॉइंट है कि हर क्लोज पाथ में वर्डन जीरो नहीं होता, स्मूथ एंड रफ वाला पॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपने कंजर्वेटिव वाला पॉइंट लाजमी इसमें चेक करना है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स में और क्या होता है, देखें फर्ज करें कि वर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं, अगर ये फर्ज करें कि अर्थ है, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे ना, एक ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के लेके जाते हैं ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे ही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेट्स से ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं पकड़ के उसको, वर्डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स किधर होगी? वो तो फिर ऊपर ही होगी, तो वो पॉजिटिव आएगा, बट वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा। ये अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट से गलत किया जब हम टेस्ट डिस्कशन कर रहे होते हैं ऑफलाइन अकेडमी में, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्या होता है कि जी हम वो पॉइंट वहां पे बता देते हैं कि ये अक्सर स्टूडेंट ने गलत किया, उनके कहते हैं आपने लिफ्टिंग का क्यों नहीं वर्ड देखा, इसमें लिफ्टिंग का वर्ड, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है जो आंसर कहते हैं जी वो नेगेटिव होगा वर्ड, लिफ्टिंग का वर्ड क्यों नहीं देखा? लिफ्टिंग फोर्स अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसी की डायरेक्शन में, तो वर्डन क्या होगा फिर? वो तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा जीरो बन रहा है। हाँ, वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हम वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी उसमें? पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे जाए वर्डन नेगेटिव हो तो इंक्रीज करती है, वर्डन नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। फिर ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्राफ से कैसे वर्डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्राफ का जो एरिया होता है ना वो हमें वर्क देते हैं, एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो होगा वो वर्क देगा, ठीक है। अब ये दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं, एक आपके पास बाय द कॉन्स्टेंट फोर्स, फर्ज करें कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स और यूं हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने एरिया निकालना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर से निकल आएगा, ठीक हो गया। लेकिन दूसरा ये कि फर्ज करेंगे अगर थीटा जीरो है तो कॉस जीरो तो हो गया वन, तो फिर क्या जरूरत है हम कहें एफ कॉस थीटा लगाएं, हम एफ और डी लगाएं, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब सिंपल ये डायग्राम हो जाएगी, इसमें थीटा जीरो हुआ, कॉस जीरो वन हो गया, तो अब ये सिंपली बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि वर्डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्या करना, नॉर्मली जाहिर बात है कि ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमारे इस लेवल में नहीं आ रहा होता, ठीक है, लेकिन ये कि कम से कम फार्मूला पता हो तो हम क्या कर रहे हैं कि किस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक डायग्राम है और इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, इसका आप क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है ना, देखिए ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है,
ये ना ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ना स्क्वायर है, ना सर्कल है, तो आप क्या करेंगे जब आप इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर कोई एक शेप बन जाएगी इसकी। ये इसका वर्डन जो है ना आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि तीन स्ट्रिप्स बनी है, तीनों का वर्डन कैलकुलेट कर लें, ये डेल्टा डी क्या है, स्मॉल इंटरवल, ठीक है। अब वर्डन का फॉर्मूला इसमें क्या होगा, तो वर्डन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन से आपने निकाला, स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, ठीक है, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, यहां तक इसमें। अच्छा अब देखें इसमें फर्दर के एरर भी आ रहा है, एरर को कैसे रिमूव करेंगे, आप इस इंटरवल को सेंटर से और हाफ कर लें, छोटा कर लें। अब नेक्स्ट इंटरवल तो यहां से शुरू होगा, ये लाइन से ऊपर एरर है, तो फिर ये वाली चीज कम हो गई ना, इसको भी हाफ कर लें, नेक्स्ट इंटरवल यहां से शुरू होगा ये चीज और कम हो जाएगी, इसको हाफ करेंगे नेक्स्ट इंटरवल यहां से शुरू होगा ये और कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि इंटरवल जितना छोटा होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो लाइन से ऊपर वाला पोर्शन कम हो जाएगा हमारा। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है आपने, एक्यूरेट कैसे करना है, इंटरवल के ऊपर लिमिट लगाएंगे डेल्टा डी अप्रोच टू डिस्टेंस के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस को छोटा कर रहे हैं ना, जीरो नहीं करना, अप्रोच टू जीरो का मतलब है कि आपने उसको वेरी स्मॉल करना है, इससे एक पॉइंट तो ये आएगा, दूसरा ये कि नंबर ऑफ इंटरवल्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स ज्यादा कर दें, ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं, साइज कम कर दें, साइज कम करेंगे जैसे पहले तीन थे अब छः हो गए, साइज कम करने से तादाद ज्यादा हो जाती है, तो वर्डन क्या हो जाता है हमारे पास एक्यूरेट हो जाता है। तो अगर आप लिमिट लगाएंगे ना तो फिर वर्डन एक्यूरेसी की तरफ चला जाएगा, लिमिट क्या लगाएंगे डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। सो ये वर्डन कैलकुलेट करने का क्या जी थ्री कैश में। अब इसके बाद कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि वर्डन कैलकुलेट एमसीक्यूज में कैसे करते हैं। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक हमारे पास ग्राफ बना हुआ है और फोर्स ना यूं लग रही है इस तरह से, यानी इस तरह से फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस मीटर में कह लें, सारे ऐसे यूनिट्स में, ठीक है, इसको आप टू कह लें, इसको फोर कह लें, फोर्स यहाँ पे मेरे पास 10 है जबकि यहाँ पे -5 है, ठीक है, ये आ गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेंथ मल्टीप्लाइड, इसको देखें तो ये वर्डन पॉजिटिव आएगा, ये वर्डन कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, फोर्स -5 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो -5 को डिस्प्लेसमेंट ये बनता है ना, देखें 2 -5, ये फोर्स यहाँ तक बनती है, फोर्स है ये 10 आ जाएगा, -10, तो टोटल नेट वर्डन कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। तो आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा इसी तरह से अगर आप देखें, फ़र्ज करें कि वो डायग्राम कुछ इस तरह से बना देते हैं, यूँ बना देते हैं, सेम सिचुएशन, ये फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया निकाल के सम अप कर लीजिएगा इसे, ठीक है, तब भी आंसर उस तरह, लेकिन फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या होगा, फर्ज करें कि आपको फोर्स गिवन है 3i + 4j और डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2j - 4k, फाइंड द वर्डन, ठीक है। अब इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है, बास का स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो फॉर्मूला लगाते हैं एफ डी कॉस थीटा, अच्छा अब वो क्या करते हैं जी, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, वैसे मैग्नीट्यूड इसकी क्या आएगी, 5 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √, फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें 2 का स्क्वायर 4 और ये 16, इसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की आ जाएगी 20 √, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वर्क निकाल लेते हैं, यानी वो कहते हैं नहीं वर्क आ गया 5 √20, ये गलत, क्या गलती, ऑप्शन में ये हो सकता है कि आंसर गिवन भी हो, थीटा आपको गिवन ही नहीं था, आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाला तब लगता है जब एफ डी के साथ थीटा गिवन हो, या तब लग सकता है जब वो कहते जी कि पैरेलल पे थीटा जीरो कर देते हैं, परपेंडिकुलर कहते थीटा 90, कोई हिंट होनी चाहिए, कोई कीवर्ड होना चाहिए ना जिसमें थीटा पता चल रहा हो, अदरवाइज जब थीटा ना गिवन हो और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हो तो आप डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे एफ डॉट डी,
आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इधर है इधर नहीं है तो जीरो हो गया। जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जे इधर है इधर भी एट आ जाएगा, एट जाओ इसका आंसर। के इधर है तो के उधर नहीं है, के भी जीरो हो जाएगा। सो आंसर इज एट जाओ। तो याद रखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में तो डॉट प्रोडक्ट लेना, क्योंकि थीटा नहीं गिवन। अगर थीटा गिवन हो तो फिर आप फोर्स की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और थीटा गिवन है तो तब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, वर्डन मैक्सिमम किस एंगल पर होता है? वर्डन मैक्सिमम होता है जी 0 डिग्री पे, वर्डन मैक्सिमम होता है जी 180 डिग्री पे, दोनों पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इसमें बस ये है कि एफ डी होता है इसमें, माइनस एफ डी होता है। तो बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं अच्छा यही मैक्सिमम वो माइनस में, मैथमेटिकली माइनस का मतलब और है, फिजिक्स में माइनस का मतलब और है। माइनस शो करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है। ठीक है, वर्डन मिनिमम किसे कहेंगे? मिनिमम 0 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 90 होता है। तो ये याद रखा आपने। ठीक है, तो वर्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेली लाइफ में डिफरेंट है, फिजिक्स में जरा डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट, फर्ज करें कि कहता जी एक फोर्स है मेरे पास 3i + 4j, और वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए गिवन है जी 2.3 टू पॉइंट बी 4.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्डन। ये तो आ गई फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इसको कहते हैं नहीं R1, ये वाला जो वेक्टर है ना पहला वाला R1, दूसरा वाला R2 होता है पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपने क्या करना है, R2 - R1 करना है। R2 4.5 पहला वाला आई, दूसरा J माइनस R1 2.3, साइन भी चेंज कर देंगे इसके, वैसे ब्रैकेट लगाते हैं ना हम, इसको लिखते हैं 2i + 3j, यूँ लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो माइनस ओपन कर लें, 4 में से 2 निकालेंगे 2i आ जाएगा, 5 में से 3 निकालें तो 3j आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख लें तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैं यहीं से इसको सॉल्व कर लें, i को i से और j को j से, 3 2s are 6, 4 3s are 12, ये आ जाएगा 18 जाओ। ठीक है, यूँ इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है इसमें। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, बाकी फिर जी नेक्स्ट पोर्शन है इसका वर्डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, के इंक्लाइंड प्लेन पे आप वर्डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। देखें ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एंगल उसका कितना है 30 है। ठीक है, फोर्स कितनी लग रही है 100 न्यूटन लग रही है, और आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है 20 मीटर। 20 मीटर अलॉन्ग द सरफेस इंक्लाइंड प्लेन के, ये हाइट जो है ये हमें नहीं मेंशन, इसको आप बेशक एच का नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको आप एच कह देंगे, ये हाइट हो जाएगी। अब अगर आपने वर्डन कैलकुलेट करना है ना इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो वर्डन के लिए तो डिस्टेंस कौन सा लिया जाता है? वही डिस्टेंस लिया जाता है जो इसकी डायरेक्शन में हो, हाइट नहीं लेंगे। फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही वर्डन प्रोड्यूस कर रहा है ना, वही वर्डन देगा आपको। जैसे कि फोर्स मेरे पास कितनी है 100 न्यूटन है ना, यहाँ पे वर्डन कैलकुलेट करना है एफ डी, फोर्स कितनी है 100 है और डिस्टेंस कितना 20 है, तो ये आ जाएगा 2000 जाओ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा वर्डन आ जाएगा। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, ऑब्वियसली जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, तो वो हाइट पे भी जा रहा है, हाइट पे जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी तो गेन होगी ना इसके। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर गेन हो रही है तो वो कितनी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी में आपने डायरेक्ट हाइट लेनी होती है इसमें, हाइट आपको गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखें फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है जी mgh के इक्वल है ना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। अब ये हाइट है आपके पास, और अगर आप देखें तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन वाला कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट आपने किसके बनाने हैं? डिस्प्लेसमेंट के बनाने हैं। ठीक है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बनाएंगे तो ये एच किसके इक्वल आएगा, क्योंकि थीटा के सामने डी साइन थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक इसके कंपोनेंट, थीटा के सामने वाला साइन होता है, और थीटा वाला कंपोनेंट कौन होता है? कोस होता है। ठीक है,
तो अब आप देखें इसमें फॉर्मूला यूं भी लिख सकते हैं, एम जी एच की जगह क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अच्छा माइनस साइन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस भी आता है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास मास कितना आ गया जी, 10, ग्रेविटी 10, हाइट कितनी है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डी कितना है 20, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 10 आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, 1000 जाऊ। तो ये क्लियर हुआ कि की पॉइंट इसमें क्या है, आपको डी भी गिवन और एच भी गिवन है, डी भी गिवन और एच भी गिवन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर तो वर्डन निकालेंगे तो फिर वो अलोंग द प्लेन जो डिस्टेंस होगा वो लेंगे, वर्डन निकालेंगे, और अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो आपने हाइट देखनी है इसके अंदर। तो ये दो डिस्टेंस अक्सर गिवन होते हैं, नहीं भी गिवन होते तो मैंने साइन थीटा से निकाल लिया था, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ और उसकी हाइट, लेंथ इंक्लाइंड प्लेन की वर्क में इस्तेमाल होगी, हाइट एम जी एच में इस्तेमाल होगी। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखें, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, वर्क माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क कितना है, 2000 है, पोटेंशियल कितनी है, 1000 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1000 जाउल आ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली सारा जो वर्डन है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा पोटेंशियल में, क्योंकि बॉडी ट्रेवल भी कर रही है, मूव करके जा रही है, तो उसका मतलब है कुछ काइनेटिक में भी थी, तो हाइट भी कवर हुई, वेलोसिटी भी है, तो वर्डन 2000 था, 1000 किस में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में, 1000 किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये वर्डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शन वाला केस, और फिर उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट देखें, अब हम डिस्कस कर रहे हैं विद फ्रिक्शन। ठीक है, एक पॉइंट बस ऐड होता है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती आपको, अगर वो समझ आ गया तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। और डेली लाइफ में फ्रिक्शन होती है, जैसे आप स्लाइड लेते हैं ना, स्लाइड लेके जब आप नीचे आते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि सारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ उसमें वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ना आप ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब वर्डन कैसे निकलेगा, वर्डन का तो वही फॉर्मूला है कि जी वर्डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्डन क्या होगा जी, आपके पास एफ डी, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, वो एफ डी कॉस थीटा, थीटा जीरो होता है इसलिए हमें कॉस जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। फोर्स कितनी है, 100 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20, तो ये उसी तरह से आ गया 2000। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें कि अगर हमने कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, एम जी एच, एम जी एच की जगह क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा, मास 10, ग्रेविटी 10, डिस्टेंस 20, साइन 30 वही 1/2, कैंसिल कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1000 आ गई, यहां तक तो उसमें भी था। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन भी चल रहा है इसमें, तो वर्ड एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा हमारे पास। अब आपको पता है कि जो फ्रिक्शन है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लेट्स से कि जब ये ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि फर्स्ट करेंगे ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, और इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एन कह लें। ठीक है, यहां पे होगा वेट, इसको एम जी कह लें, जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, ये एंगल भी 30 होगा फिर। ठीक है, तो एम जी एंगल वाला कंपोनेंट मैंने बताया था जी, क्या बताया था मैंने, आप इसको जरा रिकॉल करें और कमेंट में आप इसको लिखेंगे भी कि कौन सा कंपोनेंट मैंने बताया था कि जी एंगल वाला कौन सा कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो कमेंट में इसको लिखें भी, तो ये कौन सा होता है जी, एम जी कॉस थीटा, ये जो आपके पास एंगल वाला कंपोनेंट होता है, जो बगैर एंगल के होता है वो क्या होता है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो अब आप देखें एन के मुकाबले में कौन सा आ रहा है, एन के मुकाबले में कौन सा आ रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, याद रखें कि जो फ्रिक्शन होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, स्मॉल एफ से लिख लें, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू, एन की जगह क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। यहां से फ्रिक्शन निकाल लें, यह आ गया जी 0.5, और
एम कितना है, मैस कितना आ गया 10, ग्रेविटी 10, कॉस 30 डिग्री है तो आप इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3/2। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ये बेसिकली 0.5 1/2 होता है, इसको कैंसिल कर लें, ये भी आ गया 5, तो ये 25 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। अब वर्डर अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है आपने, तो वैसे तो माइनस में होती है ये, ठीक है, क्योंकि आप फ्रिक्शन क्योंकि अपोज कर रही होती है ना, तो 25 अंडर रूट 3 इन टू, साथ में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, वो उतना ही है 20 मीटर है, तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वर्डर अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके साथ जाउल लिख लेता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये क्लियर हो गया आपको कि वर्डन अगेंस्ट, अब अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, देखें कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखें, वर्डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसको उठा के इधर लाएं, वर्डन ये पोटेंशियल एनर्जी इधर आके माइनस, वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन माइनस, जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो ये वैल्यू आप इसमें वर्डन की जगह 2000 आ जाएगा हमारे पास, इधर पोटेंशियल एनर्जी, इधर वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी यूं कैलकुलेट करेंगे आप इसमें। तो ये क्लियर हो गया कि आपने इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन हो तो क्या करना है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या करना है, ये दो डिफरेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये एक अब आपको पता है कि पीएमसी का जो हम टेस्ट होता है उसके लिए हम कहते भी हैं कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो, क्योंकि वो नेशनल एमडी कैट है और उसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो अब के किस बुक को फॉलो करना चाहिए, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं होता कि आप डिफरेंट किताबें यूज़ करें, एक्चुअली चीज़ें तो हर किताब में कॉन्सेप्ट्स एक जैसे ही होते हैं, टॉपिक भी एक जैसे होते हैं, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकती है, टेबल्स किसी किताब में है किसी में नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर, जैसे कि एक अभी मैं टॉपिक मैंने लिखा है, ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में एक न्यूमेरिकल है जो कि फेडरल में इसका कोई कहीं पे जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये अगर पता हो तो फिर ज़्यादा अच्छी ग्रिप बन जाती है कि आप हर एरिया को कवर कर लेते हैं इसमें। तो आप देखेंगे वर्ड इन स्टैकिंग और कंपाइलिंग, कि किसी ऑब्जेक्ट को ना आपने कंपाइल करना है, लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक टेबल है मेरे पास पहले, और एक सरफेस है, और इसके ऊपर ना मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, यू के ब्रिक्स कह लें, चलें यूं 3 ब्रिक्स हैं, इसको आप कह लें 1, इसको कह लें 2, इसको कह लें 3। इनको कंपाइल करने में कितना वर्क होगा, यानी तय लगाने में, कपड़ों में जैसे तय नहीं लगाते आप लोग, ठीक है, जब हम कपड़ों की तय लगाते हैं तो यूं उसमें भी हमारा वर्डन हो रहा होता है। लेकिन आप नोट किया होगा वो जो जैसे ब्रिक्स की तय लगानी हो आपने, तो जो पहली ब्रिक होती है ना उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पड़ा होता है, उसके ऊपर ही आपने रखने होते हैं। तो ये जो वर्डन होगा ना इसका, फर्स्ट का, ये जो फर्स्ट का वर्डन है, ठीक है, ये वर्डन 0 होगा। सेकंड, जब आप इसको उठा के यहां पे रखेंगे, इसकी हाइट पे रखेंगे, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, जब आप इसको इस हाइट पे रखेंगे, जितनी पहले वाले की हाइट थी, ये हाइट थी, तो वर्डन आपको कितना करना पड़ेगा, जिसको W2 कहते हैं, MGH, ठीक है। और अगर आप इसको उठा के इधर रखेंगे तो फिर कितना वर्डन करना होगा, अब क्योंकि हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है, हाइट अब यहाँ तक चली गई है, हाइट हो गई है 2H, ठीक है। तो तीसरी के लिए वर्डन क्या होगा, MG2H, या दूसरे लफ्जों में कह लें 2MGH। तो अब वो कहता है कि फाइंड आउट द टोटल वर्डन इन कंपाइलिंग ऑल द ब्रिक्स, तो फिर टोटल वर्डन क्या होगा ब्रिक्स को कंपाइल करने के लिए, MGH प्लस 2MGH टोटल 3MGH, ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ब्रिक्स को कंपाइल, पहली ब्रिक में तो कोई वर्डन नहीं होगा 0, दूसरी ब्रिक का वर्डन होगा MGH, और तीसरी ब्रिक का क्या होगा 2MGH, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3MGH। इसी तरह से अगर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के न्यूमेरिकल को देखें तो उसमें 10 ब्रिक्स थी, यानी कि अब देखें 10 ब्रिक्स हैं, उसको उठा के आप उस पर रखेंगे, पहले का वर्डन 0 होगा, दूसरे का वर्डन MGH होगा, तीसरे का 2MGH होगा, ठीक है, इस तरह से चौथे का 3MGH होगा, दसवीं ब्रिक का 9MGH होगा। इतनी सारी वैल्यूज लिखने के बाद फिर आप क्या ऐड करेंगे उससे, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट का 0 होगा, सेकंड का MGH, थर्ड का 2MGH, फोर्थ का 3MGH, यू
टेंथ ब्रिक का होगा 9 MGH। फर्ज करिए कहते हैं 100 ब्रिक्स की तह लगानी है, तो वो तो फिर आप कहेंगे इससे बेहतर है कि ये मैं क्वेश्चन ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे फिर आपको सॉल्व करते करते आपकी तह लग जाएगी इसमें, तो बेहतर ये है कि कुछ शॉर्टकट निकाल लिया जाए इसका, ठीक है। तो अब शॉर्टकट क्या है कि टोटल वर्क निकालना है, 10 ब्रिक्स हैं फर्ज करें, n n-1 डिवाइडेड बाई 2 इन टू एम जी एच। अब यही क्वेश्चन जो हम वहां पे बड़े एक लंबे मेथड से करते थे, यही मेथड यूज करते थे कि जी फर्स्ट का 0 MGH, सेकंड का MGH, थर्ड का 2 MGH, फिर सबको जमा करते थे, उसके बाद वैल्यू पुट करते थे, फिर निकालते थे। बोर्ड का जो पेपर होता है हम उसमें यही इस तरह से ही करवाते हैं। एंटी टेस्ट में हम कहते हैं कि भाई एंटी टेस्ट शॉर्टकट होना चाहिए क्योंकि ताकि क्योंकि टाइम नहीं है इतना हमारे पास, हम यूँ उसको सॉल्व करें, फिर डाटा बड़ा आ गया, कैलकुलेटर की भी लाओ नहीं है, तो हमें फिर क्या करना होता है, ठीक है। अब अगर 10 ब्रिक्स हैं, 10 10-1 डिवाइडेड बाई 2 MGH, ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया 5, हो गया 45 MGH आ जाएगा। अब देखिए ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, अब चाहे वो कह रही 100 ब्रिक्स हैं तो इसमें पुट करेंगे, एन की जगह 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर मैस गिवन हो, ग्रेविटी गिवन हो, और हाइट किसकी है, एक ब्रिक की हाइट है, वो गिवन हो एक ब्रिक की हाइट, कि 1 ब्रिक की हाइट इतनी है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में एक न्यूमेरिकल था, वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा नेक्स्ट देखें, एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि बास का तो आपको पता है कि MCQ तो एक छोटे पॉइंट से भी गलत हो जाता है, क्या वर्ड डन फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं है। सो याद रखिए, वर्ड डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये भी एक रिलेटिव क्वांटिटी की तरह होगा। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में रखता हूँ इस तरह से, और मैं इसको देखते हुए यूँ मैं चलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो ये बताएं कि कमेंट में बताएं कि जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ चल रहा हूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मेरे रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है, क्योंकि मेरी और इसकी वेलोसिटी सेम है, मैं इसके साथ साथ ट्रेवल कर रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट से जो है इसका वर्ड डन क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि ये फ्रेम है ना, तो एक पर्सन जो है वो इस फ्रेम के अंदर है, और उसके हाथ में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो इस पर्सन के लिहाज से इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्ड डन क्या होगा, 0। लेकिन अगर मैं इसको बाहर से देख रहा हूँ, तो मैं तो ये देखूंगा कि एक शीशे का ये कमरा था, लेट से बाहर से मैं देख रहा हूँ, तो इसको ये चलता हुआ मुझे नजर आएगा, तो मुझे तो ये नजर आएगा कि यार ये ऑब्जेक्ट इधर था, क्योंकि मैं खुद रेस्ट पे हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो मुझे बाहर से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये वर्ड डन हो रहा है, तो मेरे लिहाज से ये वर्ड डन हो रहा है क्योंकि मैं फ्रेम से बाहर हूँ। लेकिन जो पर्सन इस शीशे के फ्रेम के अंदर है, वो अपने लिहाज से देखेगा तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ जा रहे हैं, उसके लिहाज से तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो उस पर्सन के लिहाज से जो फ्रेम के अंदर है, उसके लिहाज से वर्ड डन कुछ हो रहा है, मेरे लिहाज से कुछ हो रहा है, उसके लिहाज से हो सकता है 0, मेरे लिहाज से 0 नहीं है। तो जो बंदा फ्रेम से बाहर होगा उसके लिहाज से वर्ड डन 0 नहीं है। सो वर्ड डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, इस तरह की छोटी सी कोई लाइन भी समटाइम आ जाती है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है जी।